अस्सलाम वालेकुम। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 19.2 जैसा साइड के दो क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। तो इन बुधा तो मैट्रिसाइज जो इतने हेट दिना पा इन्हें क्लासिफाई कर ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर जो मतलब आ जैसे असा इन जो डिटर्मिनेंट कढूं वो जीरो अची वे तो इन मतलब आ वो सिंगुलर आ। अगर उन डिटर्मिनेंट जीरो न अचे तो इन मतलब आ वो नॉन सिंगुलर आ। ठीक है तो इतने ए नंबर असा वो है ये रकम तामू आसो यहाँ टे रकम टे रकम में जो असा फार्मूलो इस्तेमाल करता है अग में तुझा तो डिटर्मिनेंट जी चार रकम होंगे ने बरब बरब हों मैट्रिसेस तो उनको बे नमूने से निकल जैसे मैट्रिस थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो टे रो टे कॉलम होजन तो उनको ही फार्मूलो हों पे में असा प्लस रखा माइनस रखा वही प्लस रखा यानी पे रो के अस खा हाँ पे रो के खड़ा इतने जीरो दिंदी हाँ मैट्रिसेस ये डिटर्मिनेंट ए अस मालूम पा क्यों। ठीक है इन अस पे जीरो के खड़ी इतने रखासी तो पे रो के छेदी गो हेठा कॉलम इनके छेदी बाकी जो बचन वो लिखा क्योंकि प्लस में इन इतने प्लस जो जीरो ही कह तो हि रो हि कॉलम ये खत्म भी बाकी बचा इतने माइनस ब इतने ही बे दियो एक माइनस एक यो रखा हाँ कटा इतने माइनस हि ब कटा पर माइनस में आ प्लस आते माइनस आ टू थी हाँ पे रो तू ही लिखाई पे रो को लिखा पर हाँ कॉलम है हेठ यो को लिखा बाकी थ्री थ्री वन माइनस वन थी थ्री थ्री वन माइनस वन थी हाँ एक प्लस हि प्लस खड़ो पर ये है माइनस इन माइनस प्लस माइनस एक खासी हाँ इन पे रो खत्म जो कॉलम आो खत्म बाकी थ्री थ्री माइनस टू टू थ्री थ्री माइनस टू टू हाँ हाँ इतना फार्मूलो इस्तेमाल करी ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट फार्मूलो इस्तेमाल कर तो ये ए बी आी सी आई डी आते जीरो रखो इनके तरफ क्या माइनस इंटू माइनस प्लस वन टू द टू थी इन डायरेक्ट में रखो सिमाल ब्रेकेट में हाँ इतने माइनस आी पान में मल्टीप्लाई हि बी आई सी पान में मल्टीप्लाई हि माइनस आते माइनस दिखाई आई ए टू ठीक आई इतने माइनस टू हाँ दो हि माइनस आई प्लस आते दिनों माइनस हि वन थ्री द्री आते फार्मूले में माइनस आ माइनस दिंदी हि वन थ्री द्री आते माइनस वन दिंदी आते थ्री टू दिक्स आते माइनस आ प्लस आी माइनस आई फार्मूले में माइनस आती प्लस आई थ्री टू दी सिक्स इतने हाँ इतने जीरो के कें हद से जीरो के इन पूरी ब्रेकेट से जीरो के जीरो दी जीरो थी दो, आई माइनस इतने दो माइनस ही टू आई मल्टीप्लाई हि माइनस थ्री आई माइनस थ्री हिंदी माइनस या सिक्स आई इतने माइनस वन आई मल्टीप्लाई हिंदी प्लस या बारह हि थी जीरो माइनस माइनस इंटू माइनस हि प्लस थी बिछ का बारह आई माइनस एक बारो बारह तो ये बारह बारह पा में दिया बाकी वजो जीरो तो असो तो जवाब छो जीरो आयो तो इन मतलब हि कड़ो मैट्रिक्स सिंगुलर हि मैट्रिक्स कड़ो सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है अच्छी समझ में दिसो बी आ बी में ये रकम दिन फार्मूलो ये साग ही लगन डिटर्मिनेंट हाँ अस बी वी इजी कंटो इन रो के पे खड़ा जीरो बाकी रो के छी कल में छी बाकी बचा माइनस टू दियो टू दियो वन वन हाँ टू के खड़ी इतने माइनस आते दियो माइनस या टू खड़ी हाँ इनको कलम छी रो तू ही छी
तत्कालम ये पूरा चरण जितना थी बाकी सब चलो इधर थ्री थ्री हाई तक वन वन आर और इतने माइनस वन करना थी पर इतने चाहे प्लस आ आई माइनस आ तो माइनस करना थी इतने माइनस वन क्यों थी हाँ ही काला में चरण जितना थी ऐपे जितने तो वही चरण है बाकी थ्री थ्री आई माइनस टू टू करना थी थ्री थ्री माइनस टू आई इतने टू करना थी हाँ इतने सब फार्मूला इस्तेमाल करना थी ए डी आई माइनस बी सी वन AD यानी ते जीरो करना थी आई थे AD यानी ही आई ही पर मल्टीप्लाई करना थी चले A या B या C या D या ये माइनस प्लस माइनस तीन दो वन के टू साथ कर करना थी टू तीन दो आई थे माइनस आई BC पर मल्टीप्लाई BC यानी ही वन आई टू मल्टीप्लाई करना थी जीरो टू आई थे माइनस टू आई ने सोई थे AD यानी थ्री आई वन मल्टीप्लाई करना थी तीनों थ्री आई थे माइनस सागी आई वन के थ्री का मल्टीप्लाई करना थी थ्री आई थे माइनस वन सागियो आई थ्री टू द सिक्स आर इतने माइनस आई ही माइनस आ तीनों मतलब आई थी ना प्लस आई थ्री टू द सिक्स इन्हें जीरो के मल्टीप्लाई करना थी क्या है बदल सा चलो पहले क्या उसका जीरो मल्टीप्लाई दियो माइनस या ये माइनस या फोर दिया चल जोड़ करना आई माइनस ई टू आई मल्टीप्लाई ई थ्री थ्री कैंसिल दिया दियो जीरो आई माइनस वन आई मल्टीप्लाई गणा दिया सिक्स सिक्स ही दिया चलो जीरो के कैसा बदल सा मल्टीप्लाई किया जीरो ही दो माइनस टू के जीरो सा मल्टीप्लाई किया दी जीरो ही दो आई माइनस वन के चलो सा मल्टीप्लाई किया तो चलो चलो तो ये जीरो जीरो कैंसिल दिया बाकी बचा माइनस चलो तो डिटरमिनेंट बी जो हुआ वो असा आयो बार माइनस बार आयो इन मतलब आई चाहे नॉन सिंगुलर यानी हिक ने सिंगुलर हो और बियो नॉन सिंगुलर तो जीते जीरो ना आया जीरो अच्छे आ सिंगुलर थे नॉन सिंगुलर आया हुआ जीरो ना आया इन मतलब आई नॉन सिंगुलर अच्छी समझ में चलो इसी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट बाय क्वेश्चन नंबर 5 से जल्द